देख कैसे तस्वीर ले रहा है, कहाँ से चले आते हैं तस्वीर वस्वीर लेने। नहीं 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 बच्चे, अपने हाथ नीचे कर लो, ये बस एक कैमरा है, ये लो, लो, देखो कैमरा, ये देखो, बस यही खड़े रहना, मुस्कुराओ, हाँ बढ़िया। जरा देखो तो इसे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ आजा 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 ए सुन इधर आ, आजा 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 बच्चे को क्यों बुला रहे हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? ऐसे बनेगा मर्द। हाँ बैठो, अब इसे इस तरह से पकड़ो और निशाना लगाओ, शू। अब उस तरफ ध्यान से शू। यूसुफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? चलो अंदर आकर सामिया के साथ खेलो बेटा। आओ बेटा चलो अंदर। लेकिन चलो। मुझे बाहर देखना मैंने है। मैंने कहा ना अंदर चलो और सामिया दीदी के साथ खेलो। चलो सुनो मेरी बात। चलो एडम, ये जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। हर दिन की लड़ाई हमें तबाह कर देगी। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? ये लड़ाई तो 100 साल में भी खत्म नहीं होगी। क्या हम इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब हमारा कोई बच्चा मारा जाए या कोई तुम्हारा अपहरण कर ले? फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोचा है कभी तुमने? बच्चे हमारे अभी बहुत छोटे हैं। बच्चों की फिक्र है तुम्हें? हमेशा अपने काम के बारे में सोचते हो। मैं चाहती हूँ कि वो बड़े हों और उन्हें अच्छी तालीम मिले। आजकल सीरिया में जो हो रहा है यूसुफ उसका गवाह है। वो अभी बच्चा है। मैं चाहता हूँ वो सब देखे और सब सीखे। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। मुझे उनकी हिफाजत की फिक्र है। मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ एडम, अगर मेरे बच्चों का बाल भी बाका हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने क्या किया है? क्या किया है तुमने? तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। लोगों की मदद कर रहा हूँ। करने वाले तुम होते कौन हो? मम्मा रुको, मत करो, मदद करना मेरा फर्ज है। मम्मा याद रखना गद्दार। हाय डॉक्टर। हे सिस्टर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। गुड। हे सामिया, रॉकस्टार, कैसे हो तुम? यूसुफ, कैसे मेरे बच्चे? देखो अंकल आ गए। लिटिल चैम्प, जरा इनको तो देखिए क्या हुआ है। डोंट वरी, अभी देखता हूँ। आराम से। कैसे हो मेरे दोस्त? तुम रैम्बो की तरह लग रहे हो। देख रहे हो इनको? बुरा भी हूँ, अच्छा भी हूँ। मैंने तुम्हारा अच्छा बुरा देखा है। तुम अपनी बीवी के सामने ये सब बातें नहीं करना चाहोगे? नहीं। क्यों? बिल्कुल बात नहीं करना। अभी ठीक हो जाओगे। ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना एडम? ठीक हो ना? मैं दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाती हूँ। थोड़ा दर्द होगा। सामिया, यूसुफ, चलो चलो। हाँ मम्मा। चलो बच्चों खाना खा ले, आ जाओ। यूसुफ आओ बेटा। एडम, तुम बहुत जल्दी अपने काम पर लौट सकोगे मेरे दोस्त। अभी बहुत सारे लोगों की मदद करना बाकी है। देखो ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया है। वो चाहते हैं कि मैं दुनिया को बताऊं कि सीरिया में क्या चल रहा है। हर रोज हम छुपते हैं और बाहर निकलने से डरते हैं। ये कैसी जिंदगी है? बहुत हो चुका। हम लोगों से बहुत अच्छे गुहार लगा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये लड़ाई इतने सालों से चल क्यों रही है। यूसुफ बेटा प्लीज ऐसा मत करो। मम्मा की बात सुनो। यूसुफ, मैंने मना किया था ना चींटियों के साथ खेलने के लिए। नहीं नहीं यूसुफ, हमें जीवों को नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि वो मर जाएंगे तो जन्नत जाएंगे और अल्लाह को सब बता देंगे। सॉरी मम्मा। कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ। सीरिया तो जैसे ये फिश टैंक है। मितुल, ये पावरफुल कंट्रीज एक गंदा खेल खेल रही हैं।
सैकड़ों आम लोग हर दिन हर वक्त मारे जा रहे हैं, और अभी ये लड़ाई तभी रुक सकती है जब लोग सीरिया की हकीकत से वाकिफ होंगे। मम्मा, 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 बाहर कुछ लोग गन्स के साथ हैं। जल्दी अंदर जाओ। कौन है? प्लीज, आज के दिन आप यहीं रुक जाएं। बाहर जाना ठीक नहीं है। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। बाहर खतरा है। क्या हुआ एडम? मुझे ये वीडियो अपलोड करना होगा। मेरे वीडियो का पूरी दुनिया तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उनको यकीन नहीं होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। उसकी फुटेज कहाँ है एडम? कहाँ है? मुझे बाहर जाके लाना होगा। पूरी दुनिया का वीडियो देखना जरूरी है। डॉक्टर प्लीज इन्हें समझाएं। ये बाहर नहीं जा सकते। प्लीज इन्हें समझाएं, ये जख्मी है। मुझे जाना होगा। मिथुन मुझे ऑफिस छोड़ देगा, उसके रास्ते में ही है ना? नहीं, तुम नहीं जा सकते। जाना होगा, यही मेरा काम है, यही मैं करता हूँ। मुझे जाने दो। तुम्हारा नाम हर लिस्ट में है, समझते क्यों नहीं? तुम्हारी जान को खतरा है। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अपना ध्यान रखो। संभल कर, संभल कर। दरवाजा खोलो। मेरी बात मानो, रुक जाओ। कुछ नहीं होगा। इसे थर्ड डिग्री का बर्न है, इसलिए ध्यान से पट्टी लगाओ। जी डॉक्टर। और मैं चाहती हूँ तुम इसका खास ख्याल रखो, ओके? हर घंटे। जी जी, जरूर डॉक्टर। बस बस हो गया। पानी लाना। जी। क्या बैठ सकते हो? कोशिश करो। बस बेटा, थोड़ा सा। गुड बाय। थोड़ा सा पानी पी लो, धीरे धीरे। हाँ, आराम से। मेरा नाम डॉक्टर लीसा है। ये कौन है? मम्मा ने इसे बहन के लिए बनाया। वाओ, बहुत सुंदर है। डॉक्टर लीसा, मम्मा ने मुझे चींटियों को नहीं मारने को कहा है। ऐसा करते खुदा ने मुझे देख लिया तो वो मुझे सजा देगा। खुदा तुम्हें सजा नहीं देगा। मैंने देखा कितने लोग मारे जा रहे हैं। खुदा को दिखता नहीं? खुदा देखता है। सर, सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। ठीक। हेलो अंकल, कैसे हो? फाइन। डॉक्टर लीसा, क्या मैं आपसे बाहर बात कर सकता हूँ? गुड बॉय। देखिए, घाव बहुत ही ज्यादा गहरे हैं। शरीर आधे से ज्यादा जल चुका है और हमारे रिसोर्सेज बहुत ही कम हैं। इसलिए मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? मम्मा, तुम क्यों रो रही हो? मम्मा, क्यों रो रही हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों, बाहर बहुत ही भयानक लड़ाई चल रही है। तुमको सावधान रहना होगा। मुझे वादा करो। कोई भी गन के साथ आए तो डरना मत। आंखें बंद करना, गाना और दुआ करना। तुम अल्लाह के साथ होगे। एक बार एक परिवार घूमने निकला एक अच्छी जगह। साथ में लिया लंच बॉक्स जिसमें था सामिया यूसुफ का मनपसंद खाना। बड़ी हो रही है सामिया।
बड़ा हो रहा है यूसुफ। यूसुफ को तो नींद आ रही है, तो मम्मा उसे सुला कर आती है और कहानी फिर से सुनाती है। मेरे बच्चे को नींद आ रही है, चलो बेटा आज जल्दी नींद आ रही है आपको, हाँ चलो हम सोने चलते हैं। पापा। सामिया चुप जाओ, जल्दी जल्दी चुप जाओ। सामिया जाओ 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 अंदर, इसको यहीं रहने दे। कितनी बार कोशिश की तू समझा नहीं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ सीरिया में क्या हो रहा है। तू सबको ये दिखाना चाहता है कि तू हीरो है और हम विलेन। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं सिर्फ सच बताना चाहता हूँ। तू कहना क्या चाहता है? जो सच है, सच हम है, हम है सच। मार डालो। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। मुझे मार दो, मगर मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो, मेरे बच्चों को, कम से कम मेरे परिवार को छोड़ दो। अगर हमने तेरे परिवार में से किसी को भी छोड़ा तो वो हमारे खिलाफ बाहर बोलेगा। किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। नहीं नहीं, खत्म कर दो, चल कर, प्लीज को खत्म कर दो। याद है ना क्या कहा था? आँख बंद करो, गाना गाओ, दुआ करो, अल्लाह के नन्ही सी ये चिड़िया है। यहाँ और कोई नहीं है। हेलो, हाँ ठीक है जला देता हूँ। मम्मा उठो ना, मम्मा उठो ना, मम्मा 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 मम्मा। यूसुफ, गुड़िया रो रही है। यूसुफ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये घाव तुम्हारे छोटे से शरीर के लिए बहुत है,
मुझे लगता है तुम अपने परिवार से जल्द मिलोगे। मैं खुदा को सब कुछ बताऊंगा। महमूद, महमूद, आप पीछे हटिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। कुछ करो। रुकिए। देखो, चिंता मत करो, तुम अब ठीक हो। ये सब इनकी गलती है, इनकी गलती है। तुमने देश को बर्बाद कर दिया। तुम यार। शांत रहो। बंद करो ये सब। की चाड़ो। तुमने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। ये सब तुम लोगों ने शुरू किया, यहाँ आकर हमारे लोगों को मारा। अपना मुंह बंद रखो। तुमने हमारे लोगों को मारा, औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जब तुम लोग इस हॉस्पिटल में आए तो कितनी बुरी हालत में थे, कुछ लोग मर रहे थे। जब तक सब मर न जाए, देश तबाह न हो जाए, तुम लोग नहीं रुकोगे। उनसे पूछो, किसकी गलती है। शांत हो जाइए, यहाँ लोग मर रहे हैं। मेरा दोस्त मर रहा है। बस करो। इसका क्या, इसने क्या किया है। तुम लोगों की बम और गोलियों की वजह से ये मरने वाला है। अब क्या मतलब है इन सब बातों का। कल रात की बॉम्बिंग से हमारी सारी दवाइयाँ बर्बाद हो गई। अब मेरे पास इसे बचाने के लिए कुछ नहीं है। ओह गॉड, इट्स ओके, सब ठीक है, मैं यही हूं। नन्ही सी ये चिड़िया है, नन्ही सी ये जान है, कितनी प्यारी ये गुड़िया है। Thank you.